Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. इतना जल हो गया है कि अब दो चार दिन जल भरना ही नहीं पड़ेगा। इस अवसर के लिए अनेकों धन्यवाद भगवान। ये तो मेरा विचार था, इसके लिए भगवान को मैंने क्यों धन्यवाद दिया? कलयुग में कर्म ही प्रधान है, किंतु उचित कर्म का अवसर और साधन प्रभु के बिना संभव नहीं। श्रम आपने किया मानता हो, किंतु उसका अवसर तो प्रभु ने ही दिया ना। उसने जो कहा उसका मुझे स्मरण क्यों हो रहा है? कुछ भी कहा उसने, अब उसका क्या लाभ? ये लो तुम्हारा दान। कल्याण हो आपका। जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मुझे ग्लानी क्यों हो रही है? इधर जैसे ही माधव दास ने उस मैले वस्त्र को धोया, उधर उर्मिला देवी का मन भी निर्मल होने लगा। अब उस निर्मल मन से माधव दास के द्वारा दिए ज्ञान को समझना शेष था, और उधर माधव दास को अपने सखा की प्रतीक्षा थी। अब बस प्रकाश की व्यवस्था रही। उचित वो सूखा कपड़ा, उसकी बात ही बना लेता। मेरा दोपहर का भोजन बचा है, मैं उसे ही खा लेती हूँ, उतनी ही बचत हो जाएगी। ये क्या, ये रखा भोजन भी खराब हो गया। इससे तो अच्छा ये होता कि मैं किसी भूखे को दान में देती। ये दान पुण्य तो मुझे नहीं सुहाता, फिर ऐसा विचार क्यों आया? नहीं नहीं, मैं इसे कहीं नहीं दे सकती। भोजन नहीं है तो क्या हुआ? अरे अस्वस्थ तो हूँ, एक दिन भोजन ना करने से कुछ बुराई नहीं है। आज मैं भूखे पेट ही सो जाती हूँ। नहीं नहीं, इस खटिया पर मैं नहीं सोऊंगी। शीघ्र ही टूट गई तो मुझे नहीं लेनी पड़ेगी, मैं नीचे ही सो जाती हूं। नहीं नहीं, यदि चादर नीचे बिछाई तो फट जाएगी और मुझे नहीं लेनी पड़ेगी। ये उचित है, चादर के बिना ही मैं सो जाती हूँ, और वैसे भी ये चूल्हे के कार्य से मेरे कपड़े खराब हो चुके हैं, सभी धोने पड़ेंगे।
अरे सखा, आप आ गए। आपका स्वागत है सखा, भीतर आइए ना, वहां द्वार पर ही क्यों खड़े, आइए। तुमने तो अपनी कुटिया को सज्जित कर किसी उत्सव का वातावरण उत्पन्न कर दिया है। अब मेरे सखा का आगमन किसी उत्सव से कम है क्या? ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे सखा मेरी कुटिया में भोजन के लिए पधारे। मैं तुम्हारे आनंद का कारण समझ सकता हूँ सखा, किंतु मेरे लिए इतना सब करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसे कैसे, विशेष अतिथि है आप, तो आपके लिए विशेष तैयारी नहीं करता, तो आपके मुख पर ये आनंद का भाव देखने को कैसे मिलता? ये क्या हो रहा है, ये दीपक कैसे जलने लगे मेरे घर में, ये तो पूरा तेल ही पी जाएंगे। नहीं नहीं सका, आप वहां पुराने आसन पर क्यों बैठ रहे हैं, यहाँ ये इस आसन पर स्थान ग्रहण कीजिए। क्यों भला, इस आसन में कांटे हैं क्या? नहीं नहीं सखा, ये नया आसन आपके लिए बिछा है। नया आसन? हाँ, अब मेरे सखा साधारण व्यवस्था से थोड़ी ना प्रसन्न होने वाले। आइए आसन ग्रहण कीजिए। का सबसे अच्छा दिन था क्योंकि मेरे साथ आप याद है। आशा करता हूं आपको भी बड़ा आनंद आया होगा। हाँ। भोजन अच्छा था ना? बहुत स्वादिष्ट था। और ये सारी व्यवस्था? सब बहुत ही अच्छा था। अगली बार ना और विशेष तैयारी करूंगा, 56 भोग बनाऊंगा आपके लिए। सखा, अपने हाथों से खिलाओगे तो साधारण खिचड़ी भी मेरे लिए 56 भोग के समान होगी। भोजन तो तैयार कर लिया मैंने, किंतु पान रह गया। कदाचित जब तुम देखोगे तभी समझ सकोगे सखा। मैं वचन देता हूँ सखा, अगली बार कोई कमी नहीं रहने दूंगा। तो अब कल ही आइए ना, कल दोपहर के महाभोग के बाद। नहीं सखा, वो तो संभव नहीं। कल दोपहर में मुझे आज के समान कहीं और भी तो जाना है। आपको कहाँ जाना है, अपने सखा को नहीं बताएंगे? समय आने पर तुम्हें ये भी ज्ञात हो जाएगा सखा, किंतु अभी मुझे जाने की अनुमति दो। प्रभु अपने सखा से छिपाकर ऐसे कहा जाते हैं?
इस दिए को जलने देना सखा। जब तक ये स्वयं ना बुझे, इसे बुझाना मत। इसके लिए तो मैं उर्मिला देवी जी का आभारी हूँ। उनके दान दिए वस्त्र से मैं बाती बना सका और आपके स्वागत के लिए ये दीपक जला सका। अब तो आपके आशीर्वाद से उनका भी कल्याण होना चाहिए प्रभु। सुदानात प्राप्यते भोग, सुदानात प्राप्यते यश, सुदानात जायते कीर्ति, सुदानात प्राप्यते सुखम। दान देने वाले को यश, सुख और कृति अवश्य प्राप्त होते हैं। उसे उसका लाभ मिलकर ही रहता है। मृत्यु से कोई नहीं भाग सकता। और अब तुम्हारा समय आ गया है, हम तुम्हें लेने आए हैं। ये नहीं हो सकता, अभी मेरा समय नहीं आया है। नहीं, नहीं। कब किसे संसार त्याग कर जाना है, इसका निर्णय प्राणी नहीं परमात्मा के हाथों में है। मैं नहीं जा सकती। शरीर तो पीछे छुड़ के चलो। अरे कहाँ ले जा रहे हो, मेरा सामान तो पीछे छूट रहा है, उसे भी तो ले जाने दो ना। ये क्या हो रहा है, मेरी पकड़ में कुछ भी नहीं आ रहा है। ये तुमने नहीं, तुम्हारी देह ने अर्जित किया था। अब ना तो वो देह तुम्हारी रही और ना तो वो सब जो तुमने एकत्र किया था। मुझे मेरा सौदा लेकर चलने दो, उसमें मेरी आत्मा बसी है। आत्मा केवल देह में बसती है, अन्य किसी भी वस्तु में नहीं। जीवन में जो कुछ भी एकत्रित किया आपने, संजोया है, वो तो एक दिन यही रह जाएगा। इसलिए सभी सांसारिक वस्तुओं का अंतिम गंतव्य है उनका दान। जीवन के बाद यदि आप यहाँ से कुछ ले जा सकती हैं, तो वो जीवन में अर्जित करने वाले आपके पाप या पुण्य ही है। जीवन का परम सत्य यही, जो दान न दिया जाए अंततः जीवन के अंत में उसे खोना ही पड़ता है। जो कुछ मेरे पास है वो मेरी संपत्ति है और वो मेरी ही रहेगी। ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ जाओगी, ये तो तुम्हारे पाप और पुण्य पर निर्भर करता है। तो बताओ मेरे पाप और पुण्य के अनुसार मैं किस योग्य हूँ? ये ज्ञात करना कोई अत्यधिक कठिन नहीं, क्योंकि तुम्हारे पापों की गठरी तो ऊपर तक भरी है, किंतु पुण्य, पुण्य तो बस एक तिनके के समकक्ष है। इसका अर्थ यह है कि तुमने अपने जीवन काल में किसी को कुछ दान देकर एक ही पुण्य कार्य किया है। किंतु प्रतीत होता है कि वो पुण्य भी तुमने मन से नहीं किया, इसलिए अब वो भी खो चुकी हो। अतः ये स्पष्ट होता है कि तुम्हारी आत्मा का स्थान नर्क में है। चलो। कितना भयानक स्वप्न था। उचित कहा था माधवदास, यहां जो भी संचित करो वो समय आने पर बिखर जाता है। इसीलिए यहां से अगर कुछ अच्छा ले जाना है तो है हमारा पुण्य। आश्चर्य है, एक ही रात में ऐसा क्या हो गया जो इसके मन का भाव इतना बदल गया।
और इसने माधव द्वारा दिए हुए ज्ञान को स्वीकार कर लिया। ताऊ, ताऊ। भक्त माधव दास ने उर्मिला देवी के दिए वस्त्र के टुकड़े से दीपक की बाती बनाई, वो बाती जो स्वयं तो जलती है किंतु समस्त संसार को प्रकाशित भी करती है। उसी प्रकार आज उर्मिला देवी के मन में जो ज्ञान की बाती जली है उससे उसके सभी विकार नष्ट हो गए। क्रोध, मद, मात्सर्य, लोभ, मोह, सबका नाश हुआ। तो अब जो रह गया वो है धर्म ज्ञान। अर्थात माधव दास ने उसे जो कल्याण का आशीर्वाद दिया था वो सार्थक हुआ और अब अपनी भूल स्वीकार कर उर्मिला देवी अपनी कल्याण की ओर बढ़ रही है। परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल, दान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि दाता भी प्रभु है और हरने वाले भी वही है। कितने बड़ी भूल हो गई थी मुझसे, जिसने मुझे ज्ञान दिया उससे क्षमा मांगकर मैं उस भूल को सुधारूंगी। अर्थात प्रभु दान बेमन से किया जाए, अनजाने में ही हो जाए, परंतु उसका फल अवश्य मिलता है। जो भी इस वृद्धा उर्मिला के साथ भी हुआ और समय रहते सुबुद्धि आ गई इसे। हाँ पुष्पदंत जी, भक्ति की यही तो महिमा है। कोई भक्ति भाव से दान करे और दान लेने वाला उसी भाव से स्वीकार करे तो कल्याण दान देने और दान लेने वाले दोनों का होता है। लगता है सखा को कल मेरी तैयारी कुछ भाई नहीं, इसलिए मेरे पास आने के स्थान पर वो कहीं और ही चले गए। किंतु कोई बात नहीं, अगली बार ऐसी व्यवस्था करूंगा कि आगे से मना नहीं कर पाएंगे मुझे। प्रणाम। कल के अनुभव के बाद नहीं लगा था कि आप फिर से यहाँ जाएंगे? कल का अपमान पर्याप्त नहीं था क्या जो फिर से आप यहीं जा रहे हैं? आपको जाना है तो जाइए, मैं तो लंबा मार्ग ले लूंगा, किंतु उस स्त्री के सामने बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, अन्यथा मुझे अकारण ही लेने के देने पड़ जाएंगे। मैंने कहा था ना कल कि अकारण कुछ नहीं होता। प्रभु जगन्नाथ जी पर विश्वास रखिए, लंबा मार्ग लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं। अब चलिए मेरे साथ, जो होगा अच्छा ही होगा, आइए। भगवान पर विश्वास रखिए, संकोच मत कीजिए। मैंने भी ये सीख बड़ी कठिनाई से ही सीखी है। अब चलिए, अपने विश्वास को टूटने मत दीजिए, आइए। अरे ये इधर ही आ रही, आज जाने पता नहीं क्या कुछ करेगी। अभी समय, निकल चलिए इधर से। प्रणाम। ये मार्ग तो आपका नहीं है माता, इस पर चलना हमारा भी अधिकार है, तो हमें जाने दीजिए ना। नहीं, ना ये मार्ग है ना सामाजिक अन्य वस्तु, मेरा तो कुछ भी नहीं है पाप और पुण्य के सिवाय। यही बात आप मुझे कल समझा रहे थे ना, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज तक मैं सांसारिक मोह माया में ही उलझी रही, सांसारिक संपत्ति को अर्जित कर ली, लेकिन वास्तव में मैं कुछ भी अर्जित नहीं कर पाई, मैं कुछ देख ही नहीं सकती। भैया मुझे माफ कर दो, कल जो मैंने आपसे लिया वो मेरा नहीं। आश्चर्य है ये कैसा चमत्कार हो गया। मैंने कहा था ना, जो कुछ भी होता है उसके पीछे एक बड़ा प्रयोजन होता है। देर से ही सही, किंतु आज मैं अपने जीवन का प्रयोजन समझ गई, जान गई हूं कि सांसारिक वस्तु को एकत्रित करने का कोई भी लाभ नहीं, इसलिए क्षमता अनुसार
दान पुण्य अवश्य करना चाहिए और इसका आरंभ मैं आप ही को दान देकर करना चाहती हूँ। आइए। अवश्य माता। जल पीजिए। मेरा ये दान आप स्वीकार कीजिए। प्रभु, मैं समझ गया, ये सब आपकी कृपा है, आपकी ही लीला से संभव हुआ है ये। कान्हा, एक बात तो मुझे भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। क्या दाव? यही कि तुम्हारी लीला अभी समाप्त नहीं हुई है। देखिए सखा, कितना दान मिला है आज। 56 भोग नहीं भी हुए तो भी अनेक व्यंजन पका सकता हूँ मैं आपके लिए। दोपहर के भोजन पर आइए ना, मुझे ज्ञात है कुछ और सोच रखा है आपने, किंतु अपने सखा के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। मैं वचन देता हूँ, कुछ भी साधारण नहीं बनाऊंगा, जो कुछ भी पकाऊंगा असाधारण ही होगा। शांत क्यों है सखा? और कुछ नहीं तो हाया ना तो कह ही सकते हैं ना। कान्हा, क्या इसका निमंत्रण स्वीकार नहीं करोगे तुम? कैसे करूं दाव? मैं तो किसी अन्य का निमंत्रण स्वीकार कर चुका हूं। इतना भी क्या महत्वपूर्ण कार्य है जो अपने सखा के हाथों पका हलवा छोड़कर जाना चाहते हैं? ऐसा कौन है जिससे भेंट करना अनिवार्य ही है? सखा? अच्छा, अभी 2 दिन पहले मुझे अपना सखा माना और अभी से मुझसे दृष्टि छिपाकर निकलने लगे, किंतु ऐसे कौन है जिनसे भेंट करने मुझसे छिप कर गए मेरे प्रभु? बहन सुभद्रा, क्या तुम्हें ज्ञात है कि कान्हा को किसने बुलाया है? नहीं प्राता। वहाँ है प्रभु। मैंने तो पहले ही कहा था, कान्हा की लीला अभी शेष है। कदाचित जो भैया ने कहा था उसी में इस लीला का उद्देश्य छिपा है। मेरे मन की तृप्ति का रहस्य माधवदास के माध्यम से शीघ्र समस्त संसार को ज्ञात होने वाला है। किंतु अब माधवदास को क्या सीख देने की इच्छा है कान्हा की? किसकी कुटिया है? कहीं प्रभु ने कोई और सखा तो नहीं बना लिया जिसके कारण वो मुझसे बच रहे? देखो तो सही। मैंने कहा था ना, अपने वचन अनुसार मैं महाभूत के समय से पहले ही आ गया। सुगंध तो बड़ी मनमोहक है।
रखा इतनी साधारण खिचड़ी के लिए मेरे पकवान और हलवा छोड़ा है। खिचड़ी का स्वाद भला किसे भाता है? लीजिए प्रभु। अरे रुकिए, अभी अभी चूल्हे से उतारी है, गर्म होगी, मुख जल जाएगा, थोड़ी ठंडी कर देती हूँ। अब लीजिए। रुकिए रुकिए, फिर भूल हो गई ना। ये प्रभु को खिचड़ी खाने भी देगी? नमक की मात्रा कितनी है ये चखना तो मैं भूल ही गई। नमक ठीक है, अब थोड़ी ठंडी भी हो गई, अब आप ग्रहण कर सकते हैं। लीजिए प्रभु, कर्मा बाई के हाथों की खिचड़ी ग्रहण कीजिए। तो ये नहीं था मेरे भोजन में, ये सरलता, ऐसा स्नेह, तभी प्रभु के मुख पर ऐसा आनंद नहीं दिखा मुझे जो अब दिखाई दे रहा है। न मेरे समान इन्होंने भोजन की पात्र चमकाए, न अपनी कुटिया पुष्पों से सज्जित की, न ही दीपक प्रज्वलित की, तब भी प्रभु को यहाँ इतना अधिक आनंद आ रहा है। कितना मूर्ख था मैं जो ये माने बैठा था सखा को साधारण नहीं विशेष भोजन प्रस्तुत करना चाहिए, तब उन्हें अच्छा लगेगा। किंतु अब समझा, भोजन के स्वाद में प्रभु की रुचि नहीं, उन्हें तो भूख है भक्ति भाव की। इतना कुछ करने की क्या आवश्यकता है? तुम जो भी पकाकर प्रेम से खिलाते लाते, मैं तो उसी में आनंद ले लेता। तो अब खुला रहस्य कान्हा की सीख का। हाँ दाऊ, आशा है माधवदास के साथ संसार के सभी भक्त इस सीख को आत्मसात करेंगे। भूल रहे हो सखा, मेरी दृष्टि से कुछ नहीं छिपता, तो फिर तुम कैसे छिप सकते हो? जहां निश्चल प्रेम होता है वहां सभी भेद मिट जाते हैं।